हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों ने कभी ना कभी अपने फेस से अपने फ़ोन को अनलॉक किया होगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? आपका फेस देखते ही आपका फ़ोन ओपन कैसे हो जाता है? इसके पीछे का पूरा प्रोसेस क्या है? आपने कभी सोचा है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स के आंसर देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन क्या है, कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए हमारी ऐसी और भी कमाल की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है क्या। तो फ्रेंड्स, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी कि आपके चेहरे से देखो, आपको कोई भी ऐसा फ़ोन हो जो कि आपके चेहरे से देख के आपको पहचान जाए और आपके आपका फ़ोन आपके चेहरे से अनलॉक हो जाए, वही फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है। और ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन में इस्तेमाल हो, इसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी क्या है। तो फ्रेंड्स, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी जिससे कि आपके फिंगरप्रिंट, आपके आँख, आपके आयरिस से आपको पहचाना जा सके, ये सारी चीज़ें जो है बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी में आती है। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं कि ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी किस कंपनी ने सबसे पहले स्टार्ट किया था और कब से ये आपके एंड्रॉयड में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला है हमारा एंड्रॉयड बेसिक फेशियल टेक्नोलॉजी। ये फ्रेंड्स एंड्रॉयड के आइसक्रीम और सैंडविच वर्जन के बाद सभी जितने भी फ़ोन्स आ रहे थे उसमें उन सभी में जो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, लेकिन उस टाइम पर कोई भी इसको यूज़ नहीं करता था और इसमें उतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी भी नहीं थी। 2D रिकॉग्निशन होता था, 3D भी नहीं होता था। इस वजह से इसमें सिक्योरिटी पैचेस थे, सिक्योरिटी बग्स थे, इसलिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन उसके बाद जो है 2016 में सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 जो फ़ोन आया था, उसमें सैमसंग ने अपनी टेक्नोलॉजी का, इरिस टेक्नोलॉजी का, जिसमें कि आपकी आईज से, आपकी रेटिना से उसको कैप्चर करके प्रोवाइड किया जाने लगा आपकी सिक्योरिटी, जिससे कि सिक्योरिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। यानी कि अगर बात करें कि सबसे पहले किस फ़ोन में इस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को लाया गया था, तो वो थी सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। इसमें जो है सबसे पहले जो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, वो भी सैमसंग की खुद ने, सैमसंग कंपनी ने खुद उस टेक्नोलॉजी को बनाया था। उसके बाद 2017 में आईफोन ने भी, एप्पल ने भी अपने आईफोन 10 में इस फेस आईडी को डाल दिया। यानी कि 2016 में स्टार्ट हुआ, 2017 से सारी कंपनियां इसको फॉलो करने लगी। एप्पल के बाद सारी कंपनियां अभी जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें जो है फेस लॉक आईडी ज़रूर अवेलेबल होती है। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी हम आते हैं कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इसमें स्टेप है, इसको मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप है फेस डिटेक्शन। जो फ्रेंड्स, जब भी अपने फ़ोन में आप फेस लॉक को सेव करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके फेस को डिटेक्ट करता है आपका स्मार्टफोन आपके फ्रंट कैमरा से। तो सबसे पहले आपके फोटो, आपके जो फेस है उसकी पिक्चर ली जाती है, उसको अच्छे से डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है फेस एनालिसिस, उसको आपके चेहरे की अच्छे से जो है एनालिसिस की जाती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है आपके फेस पे जो है पैटर्न्स ड्रा हो जाते हैं। वो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए कि आपके फेस के ऊपर पैटर्न ड्रा कर दिया जाता है। उसके बाद उस पैटर्न को जो है न्यूमेरिक कोड में जो है चेंज कर दिया जाता है, उसको डेटा के रूप में सेव कर लिया जाता है और आपका फेस जो है आपके स्मार्टफोन में फेस लॉक लग चुका है। उसके बाद जब आप अपने फ़ोन को ऑन करते हैं, अपने चेहरे के सामने ले जाते हैं अपने फ़ोन को, तो उस डेटा से जो स्टोर किया हुआ डेटा होता है, पैटर्न से जो डेटा स्टोर किया जाता है, न्यूमेरिक कोड जो होते हैं उससे आपके चेहरे को मैच किया जाता है और मैच हो जाता है तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। यही एक सिंपल सा प्रोसेस है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के काम करने का। ज़्यादा इसके पीछे कुछ नहीं था। सबसे पहला स्टेप था डिटेक्ट करता है, एनालिसिस करता है, पैटर्न ड्रॉ करता है, उसके बाद उसमें न्यूमेरिक कोड को जनरेट करके स्टोर कर लेता है, उसके बाद आपके चेहरे से मैच कर देता है। यही सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं जिसके जरिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी काम करती है। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं कि इस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का स्मार्टफोन को छोड़ के और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। यस फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ आपके स्मार्टफोन में नहीं, और भी कई सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया। यस फ्रेंड्स, फेसबुक पे जब भी आपने देखा होगा, जब आप पासवर्ड चेंज करने जाते हैं तो वहाँ पे आपका एक 3D रोटेशन मांगता है आपके फेस का, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो आपके फेस को जो है मैच करके उस बंदे को पकड़ा जा सके। इसीलिए वहाँ पे जो है आपके फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। यानी कि फेसबुक भी जो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, आपके फेस को डिटेक्ट करके, एनालिसिस करके, उसका न्यूमेरिक कोड जो है अपने डेटा में जो है स्टोर कर लेता है, जाके अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको आसानी से जो है पकड़ा जा सके। जब भी आप फेसबुक का पासवर्ड चेंज करते होंगे, आई होप कि आप लोगों ने
देखा होगा। फ्रेंड्स सेकंड है हमारा कार्ड। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे डोर्स होते हैं जिसमें कि आप कार्ड डालते हैं और वो डोर्स जो है अनलॉक हो जाते हैं, लेकिन वो डोर्स सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेसिफिक कार्ड से ही ओपन होते हैं। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? उसमें आपका फोटो लगा होता है। उस कार्ड में जब आपका फोटो लगा होता है तो उस कार्ड में आपका पैटर्न वगैरह जो है वो न्यूमेरिक कोड जो है उसमें स्टोर रहता है, और जैसे ही आप कार्ड डालते हैं तो वो ओपन हो जाता है। यानी कि इसमें भी जो है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और इतना ही नहीं, और भी कई सारी जगहों पर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और इस्तेमाल भी क्यों ना किया जाए, इसके कई सारे जो है फायदे होते हैं। इसमें सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है, इसमें कोई भी आपको बग्स वगैरह देखने को नहीं मिलते, आपके फेस से आपको पहचान लिया जाता है, इससे आपका आँख के रेटिना से आपको पहचाना जा सकता है। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है, इस वजह से इसका कई सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस, और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, कैसे काम करती है, आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फेशियल टेक्नोलॉजी को लेके। तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। साथ ही अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए हमारी ऐसी और भी कमाल की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।